वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। क्यू एंड ए चल रहा है, आपके क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, जो मेरी बेस्ट नॉलेज है, जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है। तो आज फिर एक क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करता हूँ। आपने कमेंट किया था कि सर प्रोडक्ट्स हमसे लेगा कौन, लोग प्राइस सुन के ही मना कर देंगे, और इसी क्वेश्चन के ऊपर आज बात करूंगा। मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग जब नए ज्वाइन करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन माइंड में ज़रूर आता है। कहीं ना कहीं आपको कंपैरेटिवली लगता है कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, और आपके मन में ये होता है कि लोग इसको लेंगे क्यों प्रोडक्ट को, यानी कि जिसको भी हम बताएंगे वो मना कर देगा। अगर आपको भी लगता है ये क्वेश्चन आपके मन में भी है, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आप जब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ना इसका आंसर क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा। आप पढ़ो इसको, क्वेश्चन को दोबारा, कि सर प्रोडक्ट हमसे लेगा कौन और लोग प्राइस सुन के ही मना कर देंगे, लोग रुपीज सुन के मना कर देंगे। मना कर देंगे मतलब यहां से क्लियर होता है कि अभी तक इन्होंने कोई ट्राई नहीं किया, किसी को बताया नहीं है अभी प्रोडक्ट्स के बारे में। अभी सिर्फ ये इनके मन में ये है, इनके माइंड में ये चल रहा है कि ये मना कर देंगे जी लोग। रीजन क्या है? क्योंकि ये प्रोडक्ट देखने में महंगा लग रहा है। तो यहां से क्लियर होता है कि अभी ट्रेनिंग्स नहीं ली है इन्होंने, क्योंकि ट्रेनिंग्स लेने के बाद बंदे के मन में ये क्वेश्चन नहीं रहता, उसको क्लैरिटी हो जाती है कि प्रोडक्ट महंगा क्यों है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको ये भी पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, चाहे सुनने में देखने में पहली बार ये प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं ये प्रोडक्ट्स। ये क्लियर हो जाता है बंदे को, और इसके साथ साथ ये भी क्लियर हो जाता है अगर आप ट्रेनिंग्स को अच्छे से लगा रहे हो ना, क्योंकि ट्रेनिंग जब आप लगाओगे तो आप अकेले तो हो रही, वहाँ पे आप और भी लोगों को देखोगे, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग ऑलरेडी ये प्रोडक्ट यूज़ भी कर रहे हैं और इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर रहे हैं। और जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है किसी को देख के, तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो जाता है कि प्रोडक्ट्स तो बिकते हैं, ये आपको लग रहा है कि नहीं बिक रहे। जब आप लोगों की टेस्टिमनीज देखते हो, जब किसी के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स देखते हो, तो आपको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट्स तो शानदार हैं, ये तो लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मन में ये आ जाता है कि अगर मैं इन प्रोडक्ट्स को नहीं ले रहा ना, अगर मुझे लगता है ये महंगे हैं, तो लोग भी ऐसे सोचेंगे। और यही कारण है, ये आपकी सिर्फ परसेप्शन है। आप देखोगे कि क्या आप कंपनी के प्रोडक्ट पहले से नहीं बिक रहे, क्या सिर्फ आप पहले शख्स हो आज जो प्रोडक्ट्स प्रमोट करने आए हो, आपसे पहले पता नहीं काउंटलेस पीपल है इसको प्रमोट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स तो बिक रहे हैं जी। अपने माइंड से ना ये क्वेश्चन जो है, ये डाउट है, इसको ख़त्म कर दो। क्योंकि जब तक आप ये सोचते हो कि ये प्रोडक्ट्स महंगे हैं, कोई नहीं लेगा, आपसे लेगा ही नहीं कोई भी, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। और अगर यही सोच के साथ आप किसी को अप्रोच करोगे ना, तो सच में फिर रिजल्ट आने भी नहीं है। कोई कहेगा कि मैंने ट्राई किया है जी, लेकिन अगर आपके मन में भी ये है ना कि लोग नहीं लेंगे, तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सर मैंने कुछ लोगों को बताया लेकिन लोगों ने मना कर दिया। रीजन यही होता है कि आपको अभी भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ये लगता है कि प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं। देखो, दो चीज़ें हमेशा याद रखना। पहली चीज़, अगर आपको ये लगता है कि कोई भी ये प्रोडक्ट्स आपसे नहीं लेगा, तो आप गलत सोचते हो। और अगर आप गलत यही सोच के साथ काम करोगे, तो आपको रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। आप लोगों को बताओगे तो सही, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आएंगे आपको। और दूसरी चीज़, अगर आप ये सोचते हो कि हर कोई आपसे इमीडिएटली बाय कर लेगा, तो आप तब भी गलत सोचते हो। कुछ अभी लेंगे, कुछ बाद में लेंगे आपसे, जब आपने उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, तो फ्यूचर में कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि हर बंदे की नीड है। आज नहीं भी लेता कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है, ये कैसे आपको क्लैरिटी होती है, जब आप ट्रेनिंग्स रेगुलर लेते हो। तो अभी आपने ना तो ट्रेनिंग्स ली हैं आई एम श्योर, और ना ही आपने ट्राई किया है। और अगर ट्राई किया है बिना ट्रेनिंग्स के, तो वो तो और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको नॉलेज है नहीं, आप किसी के साथ क्या शेयर करोगे। आपसे कोई सिंपली पूछेगा कि ये प्रोडक्ट क्यों महंगा है जी, इतना महंगा प्रोडक्ट है, आपके पास आंसर ही नहीं है। आपके पास आंसर नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्यों बाय करेगा आपसे, आपको पता ही नहीं है क्यों महंगा है। तो ये 100% क्लियर कर लो, और अपने माइंड में कहीं ना कहीं ये लेके चलो कि इमीडिएटली हर कोई ज़रूरी नहीं कि बाय करेगा, लेकिन हर कोई मना भी नहीं करेगा। आपको कीप ऑन ट्राइंग, कुछ कस्टमर्स के साथ आपको बात करनी है रेगुलरली, ये सोच के कि यस लोगों की ऑप्शंस है, लोगों की चॉइस है, कुछ लोग अभी नहीं भी लेंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर, ये आपको माइंड में रखना है कि हाँ यस आपको बीच में से प्रॉस्पेक्ट ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे, और कस्टमर्स भी मिलेंगे जो आपसे प्रोडक्ट्स बाय करेंगे। आपको ये देखना है कि ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, इतने सालों से बिक रहे हैं, ऑलरेडी लोग प्रमोट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं नहीं कर पा रहा, तो मेरे से नहीं हो पा रहे, और अगर नहीं हो पा रहे तो क्यों नहीं हो पा रहे, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मुझे इम्प्रूव करना है। अगर आप ये सोचोगे ना कि यस ट्राई नहीं करना जी, मैंने तो बस ये देखना है कि कैसे बिकते हैं, मुझे ये पता चल गया कि बिकते हैं, मैंने ये देखना है कि कैसे बिकते हैं और उसको सीखना है मैंने, और जब तक मैं सीख नहीं लेता, मैं इसके ऊपर लगातार एफर्ट्स करता रहूँगा, और जब मैं सीख जाऊँगा, तो मेरे को ऑटोमेटिकली बेस्ट रिजल्ट्स मिलने शुरू हो ही जाएंगे। तो अगर आपको इसमें पैसा कमाना है ना, तो आज से यही सोचना है कि यस मैंने करना है तो करना है, अगर मेरे को नहीं आता तो मैं सीखूंगा,
और अगर आप ये सोच लेके काम करोगे ना तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग कि प्रोडक्ट्स कैसे रिकमेंड करने हैं, किसी को कैसे बताने हैं, कैसे सेल करने हैं, कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करूं। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, विशिंग यू अ ग्रेट करियर, बाय।